अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। तो आज है सैटरडे का दिन और आज हमारी छुट्टी है, तो हम जा रहे हैं अभी सुबह को नाश्ता करने के लिए, वो भी पाकिस्तानी कैफेटेरिया पे, बाबुल खैर, जो कि है हज़ार विला में। तो अभी हम सुबह सुबह निकल चुके हैं, नॉट सुबह सुबह, अभी 10-11 बज चुके हैं क्योंकि छुट्टी थी तो हम लोग लेट ही उठे हैं। तो सोचा आज नाश्ता जो है वो बाहर करते हैं, तो इसलिए बस अभी हम निकले हैं नाश्ते के लिए और देखते हैं हमें आज नाश्ते में क्या मिलता है। मिलता भी है कि नहीं मिलता क्योंकि लेट हो चुके हैं। हमने कॉल की लेकिन वो कह रहे हैं कि मिल जाएगा नाश्ता, लेकिन जो हम चाह रहे हैं वो मिलेगा या नहीं वो देखते हैं। और ये हैं हरीम एंड हारिस जो कि हमारे साथ जा रहे हैं। ये कोई गाड़ियाँ नहीं है। क्या खाना है हरीम आपको? हरीम कह रही है जो भी वो दे देंगे और हम खा लेंगे। तो सुबह सुबह शॉर्मा कौन खाएगा? वहाँ पे मिलेगी हलवा पूरी, मिलेगी पराठा मिलेगा। ओके, बाबा कह रहे हैं तो मिल जाएगा। हाँ, हरीम को कह रही है कि मुझे हलवा पूरी खानी है और मुझे खाना है मूली वाला या आलू वाला पराठा, जो भी मिल जाएगा। और उनके उनके पास नान चने भी हैं और उनके पास पेंडू नाश्ता भी है जिसके अंदर मीठे चावल, नमकीन चावल और योगर्ट है साथ। क्या है? चने सालन डाला होगा उन मीठे और नमकीन चावल में, इनके एक साइड मीठे और एक तरफ जो है वो नमकीन चावल के साथ उन्होंने सालन और योगर्ट का कोई कम्बिनेशन बनाया हुआ है, पेंडू नाश्ता उसको बोलते हैं। मैंने तो ट्राई नहीं किया अभी, लेकिन बचपन में तो सारी बातें खाए हुए मीठे चावल और नमकीन चावल मिक्स करके। तो देखते हैं आज हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है। इस टाइम का वैसे तो हम मोस्टली जाते ही रहते हैं बाबुल खैर नाश्ते के लिए, लेकिन आज ज़रा लेट है तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं और साथ साथ जो है वीडियो बनाते हैं और साथ साथ नाश्ते के लिए जाते हैं। एक्चुअली वीक में एक ऑफ होता है तो उसमें दिल करता है कि कोई भी काम ना करे, बस शहजादों की तरह बंदा रेस्ट करे लेकिन आई थिंक सो कि छुट्टी वाले दिन इंसान के पास ज़्यादा काम होता है। वीक का सारा काम आपको करना पड़ता है, वॉशिंग, डिशिंग, क्लीनिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, सो मच वर्क। लेकिन अब जो है आज हम इंजॉय कर रहे हैं नाश्ते के लिए और उसके बाद हम भी बिज़ी हो जाएंगे, फिर आके इंशाल्लाह कुकिंग भी करूँगी। और ये देखिए प्यारी सी एक मस्जिद नज़र आ रही है आपको। अभी हम जा रहे हैं टूवर्ड हज़ार विला। ये है अबू और यहाँ पर हमारे स्कूल भी है इस मॉल के पीछे, आगे से लेफ्ट लो और पीछे लो और वहाँ जो नीचे लोग होंगे उसके राइट साइड और पीछे देखो वहाँ पर हमारा स्कूल है। ये है पब्लिक हेल्थ सेंटर जो है, पहले मैं जहाँ जॉब करती थी, अभी तो मेरी मार्च से जॉब चेंज हो गई है। तो बहुत इंजॉय किया इस क्लिनिक में भी, मैंने 6-7 मंथ ऑलमोस्ट जॉब की है, लेकिन बहुत अच्छा टाइम गुजरा। बिल्कुल करीब है मेरे घर के, इधर है मेरा पब्लिक हेल्थ सेंटर और इधर है साथ ही बाबुल खैर और नेक्स्ट है बच्चों का स्कूल। तो ये बहुत ही नियरेस्ट प्लेस है हमारे घर की। तो मोस्टली जो है वो मॉर्निंग पे मेरी कार लिफ्ट पहले जो थी वो मुझे ड्रॉप करती थी और साथ ही बच्चों को ड्रॉप कर देती थी, लेकिन अब मैं आउट ऑफ द वे है जहाँ पे मैं जॉब करती हूँ, तो इसलिए अब बच्चे सेपरेट गाड़ी में रहते हैं और मैं सेपरेट गाड़ी में जाती हूँ। ये है हमारा फेडरल अथॉरिटी आइडेंटिफाई जो है ये आईडी, मेडिकल जहाँ पे होता था यहाँ पे मैंने काम किया, तो बहुत इंजॉय किया मैंने। यहाँ पे बाबुल खैर था तो मोस्टली मैं अपने स्टाफ को भेजा करती थी, वर्कर को, तो वो आ जाते थे यहाँ से दीवार से खड़े हुए ऑर्डर देते थे इनका और ये मुझे पार्सल दे देते थे। तो खूब इंजॉय किया कि इवन कि नाश्ता भी आके मैं सुबह सुबह यहीं पर ही करती थी। और अभी हम आ चुके हैं बाबुल खैर और ये है बाबुल खैर का मेन्यू और ये आपको नज़र आ रही है।
अंदर जाना है यहीं पे खाना अंदर जाके खाते हैं। चलो ठीक ये है बाबू खैर का फैमिली हॉल और हम जा रहे हैं इसके अंदर। आजो हरीम हारिस। पेंडू नाश्ते के साथ किए क्या? पेंडू नाश्ते ये मूली वाला नमकीन चावल का ये इधर पड़ेगा इसके नीचे भाई। पानी बड़ा देते बड़ा नहीं ओके शो में ये रहता है मीठे चावल है नमकीन चावल चावल नहीं है अभी होगा शाम में खिला दे। रात को बिस्तर लगा के सोना खुली हवा में आप ये सारी आजादियाँ चली गई हैं। ये देखें ये बसेस ये ट्रैक्टर मुझे सबसे ज्यादा हंसी दूल्हे पे आ रही है जिसको जबरदस्ती लगता है शादी के लिए ले जाया जा रहा है। आजकल ऑपोजिट हो गया आजकल जो है ना वो जबरदस्ती नहीं वो आजकल कहते हैं खुदी करने जरूरत ही नहीं किसी। और ये देखिए हमारे लड़कियों के खेल देखिए मैरिज सेरेमनी ये देखो गोल्ड निकाल रहे हैं और ये देखिए ये ढोल की हो रही है और वो देखिए और डोली भी आपको नजर आ रही होगी। ये बर्तन बना रहे हैं हाँ मैं तो भूल ही गई आप इनका मेन्यू भी तो देख रहे होंगे ना साथ साथ बाबू फैन का। हाँ फ्रेंड सब हमने नाश्ता कर लिया और हम जा रहे हैं ग्रोसरी करने के लिए। इधर पास ही है मदीना सुपर मार्केट हाइपर मार्केट अब हम वहाँ जा रहे हैं। बहुत गर्मी है। हाँ गर्मी तो बहुत है इनकी अभी देखें अक्टूबर भी हाफ हो गए लेकिन गर्मी बहुत ही ज़्यादा है वो आपको नज़र आ रही होगी मदीना सुपर मार्केट हाइपर मार्केट हम वहाँ जा रहे हैं। देखिए ये यहाँ पे रेड टैग है बेबी शॉप मदर के सब यहाँ पे हैं आर एंड बी सारे ब्रांड हैं यहाँ पे। और हम क्रॉस कर रहे हैं रोड पहले चिकन मटन ऑर्डर कर दें कौन सा
छोटा बॉटल हाँ छोटा और एक चिकन ये वाले लूँ आप लोगों के लिए नगेट्स ये वाले जो पहले ले रहे थे क्या प्राइस इसकी प्राइस भी मेंशन नहीं की ये वाले बहुत पुराने हैं ओके और अब मैंने अपनी सारी ग्रोसरी जो है वो स्मेल की अब बारी आ जाती है चिकन और मटन की जो कि है मैं वॉश करूँगी और वॉश करके मैं पैकेट बना के रखूँगी। तो जब आप ग्रोसरी करके आते हैं तो एक घंटा आपको ग्रोसरी समेटने में ही लग जाता है। और ये मैं डेट्स लेके आई थी और इनको भी जो है ना मैंने वॉश करके ऐसे रख दिया, अभी ड्राई होंगी तो फिर मैं बॉक्स में डाल के रख लूँगी। तो ये है मेरी आज की ग्रोसरी, दालें वगैरह ऑलरेडी मैंने ऐड कर ली हैं क्योंकि अदरवाइज़ वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। बस मुझे चिकन और मटन को वॉश करना है और इसके बाद जो है मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी पैकेट्स बना के, और फिर मुझे ये प्रॉब्लम नहीं होता कि मुझे जब भी जो है वो डीफ्रोज करना पड़ेगा और फिर कुकिंग करनी पड़ेगी। मैं छोटे छोटे जो है ना वो बॉक्स लेके आई हुई हूँ तो डिस्पोजिबल, तो उसके अंदर मैं डाल के जो है ना वो वीकली मेन्यू बना के तो वो रख देती हूँ तो मेरा ईजीली मैनेज हो जाता है। आज के लिए इतना ही, तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। जैसे कि मैंने बताया कि मैं व्लॉग जो है दोबारा से इंशाल्लाह आप कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ कांटेक्ट में रहूँ और डेली जो है वो बनाती रहूँ, डेली ना बना सकूँ तो वीकली ज़रूर बनाऊँ। तो इसलिए आज बहुत देर के बाद जो है ना मैंने अपना व्लॉग डाला, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूलिएगा और दुआ में याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।